हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद सर क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए टेंथ बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर साइंस का मॉडल सेट 4 बता रहे हैं। इससे पहले आपको 1, 2, 3 और सोशल साइंस का भी 1 से लेकर 4 तक मॉडल सेट बताया है। आप जल्दी जल्दी इसका प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी कन्फ्यूजन है दूर हो सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है साइंस का मॉडल सेट 4 से। अवतल दर्पण अनंत पर प्रतिबिंब बनाती है यदि वस्तु डैश पर रखी हो। तो आपको बता देना चाहते हैं कि 4 ऑप्शन नहीं बताकर सिर्फ आप लोगों को आंसर बता रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फोकस पर। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी डैश पर होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनंत पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण सूत्र में निम्न में से क्या नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आवर्धन नहीं होता है दर्पण सूत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है यदि वस्तु डैश पर रखी हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ध्रुव और फोकस के बीच, मतलब पी तथा एफ के बीच, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस एक वास्तविक बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनाता है यदि वस्तु डैश पर हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2F पर। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक या मात्रक जो है ना, लेंस की क्षमता की इकाई जो है ना डायोप्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, यह जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी आधी होगी 10 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। स्टूडेंट, आपको बता देना चाहते हैं कि इस तरह से आपको बहुत सारा मटेरियल बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, हर एक बुक से और स्मार्ट क्लास का ऑब्जेक्टिव और मैथ का मॉडल सेट पढ़ाया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम लेकर। इसी तरह से 12th का भी बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताया गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें और जो भी आपका मटेरियल है उसको आप पढ़ सकते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, फिर से, निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 होता है निर्वात का अपवर्तनांक। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रंग मानव नेत्र को सबसे अधिक आकर्षित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीला। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दृष्टि पटल पर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जरा दूरदर्शिता दृष्टिता को डैश लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, दूर की वस्तु को देखने के लिए पक्षभावी पेशियां लेंस की फोकस दूरी को, इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, घटाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष को डैश लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -5D है, यह किस प्रकार का लेंस है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवतल लेंस। स्टूडेंट्स, आपको बता देने कि अगर ये प्लस में रहता तो उत्तल होता। नेक्स्ट प्लस, जब एक मैग्नीशियम रिबन में हवा में जलाया जाता है तो जो राख बनता है वो, इसका ऑप्शन ए होगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का जलना किसका उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया का।
नेक्स्ट प्रश्न है संक्षारण क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए धातु का उपचयन। नेक्स्ट प्रश्न है स्वाद में अम्ल डैश होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए खट्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मिथाइल ऑरेंज डैश सूचक का एक उदाहरण है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संश्लेषित। नेक्स्ट प्रश्न है धातु ऑक्साइड की प्रकृति डैश होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षारीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर डैश बनाते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति डैश होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अम्लीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है देगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बेकिंग सोडा का घोल। नेक्स्ट प्रश्न है दांत में मौजूद कैल्शियम फास्फेट की प्रकृति है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षारकीय। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि हम यहाँ सभी क्लास और सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस सूचक का उपयोग अम्ल को इंगित करने के लिए नहीं किया जा सकता, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दो, ये बाकी सार्वभौम सूचक लिटमस पत्र मिथाइल ऑरेंज सभी का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चूने के पानी को दुधिया बनाने वाली गैस है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी CO2। नेक्स्ट प्रश्न है उदर कौन सा अम्ल बनाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है जीवन को परिभाषित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आण्विक गतियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आण्विक गति का उदाहरण नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दिखाई देने वाली गति ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है पाचन डैश का एक हिस्सा है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पोषण। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों के पोषण का तरीका है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वपोषी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की ऊष्मा आवश्यकता नहीं होती है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे ऑक्सीजन किस प्रकार लेते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रंध्र। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में संचित होते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको बता देना चाहते हैं चैनल पर स्मार्ट क्लास जो बिहार सरकार चला रही है उसके सारे ऑब्जेक्टिव आपको चैनल पर मिलेगा, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको क्लिक करके पढ़िए ताकि आपको बहुत कम समय में आपको स्मार्ट क्लास का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कीड़े में पोषण किस प्रकार होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी परजीवी। नेक्स्ट प्रश्न है आहार नाल डैश में नहीं होता, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फेफड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है लार युक्त इमाइलेज डैश को शर्करा में तोड़ देता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टार्च। नेक्स्ट ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहां पर होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट और इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न है पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एमिनो अम्ल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आगे मैं
इसी तरह और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लाऊं लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।